गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इन द ईवीएस 2, दैट इज हिस्ट्री एंड द टॉपिक इज शिवाजी चाइल्डहुड। नाउ वी ऑल नो हु इज शिवाजी। शिवाजी कौन है हम अच्छे से जानते हैं। अब हम उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे, जब वो बड़े हो गए, जब उन्होंने कुछ किया और उन्होंने क्या किया वो सब हम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम और भी कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे, पर अब हम उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Now this is the picture here, the birthplace of Shivaji Maharaj at Fort Shivneri. Shivaji Maharaj जहाँ born हुए थे, ये वो fort है और इनका नाम है, इसका नाम है Shivneri। ये पुणे के पास जुन्नर एक place है, अगर आप लोगों में से कोई ने कभी 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 सुना भी होगा, ये वहाँ पर situated है, वहाँ पर है ये। And now let's study more about Shivaji Maharaj childhood. Now birth of Shivaji. Those were very unsettled days. Shah Jahan from the north has dispatched a big army to conquer the Deccan. Pune, the principal town of Shahaji Raje Jagir, was burned to the ground by Adil Shah of Bijapur. Shahaji Raje was in real trouble. He found himself between the devil and the deep sea and was constantly on the run. See, उस जिस टाइम पे शिवाजी महाराज की बर्थ हुई, जन्म हुआ, उस टाइम पे शाहजहाँ जो नॉर्थ में थे उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी डेक्कन की तरफ भेजा उन्होंने पुणे, और शाहजी राजे की जो जागीर थी, जो जगह थी उनकी, जो उनकी प्रजा थी उस टाइम पे, वो जगह को पूरा जला दिया। टू द ग्राउंड बाय आदिल शाह बीजापुर, कहाँ तक जला दिया था, पूरा आदिल शाह बीजापुर तक चला गया। शाहजी राजे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो दोनों जगह से बीच में फंस चुके थे। एट दैट टाइम शिवाजी जीजाजीबाई वॉज प्रेगनेंट एंड द ग्रेट क्वेश्चन विच वरिड शाहजी राजे वॉज द सी, ऐसे टाइम पे जब लड़ाई हो रही है, दैट टाइम शिवाजी जीजाजीबाई वॉज प्रेगनेंट एंड द बेबी वॉज सून टू अराइव, दैट इज शिवाजी महाराज वॉज सून टू अराइव एंड ही वॉज रियली वेरी इन ट्रब, मतलब वो बहुत उनकी फिक्र करते थे कि इनको कोई एक प्लेस हो जो वो सेफ हो। देन ही रिमेंबर्ड दैट शिवनेरी फोर्ट देन डिसाइडेड टू सेंड जीजाबाई देर, तो उनको याद आया कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि शिवाजी जीजाबाई को हम शिवनेरी फोर्ट पर भेज देते। और सी अर्लियर ओनली आई टोल्ड यू दैट शिवनेरी वॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट नियर जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। इट हैड स्टीप क्लिफ्स ऑन फोर साइड, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन एंड मैसिव डोर, उधर बड़े दरवाजे थे, क्लिप्स थी उधर, स्टिप छोटी छोटी, क्या बोलते हैं, नैरो, और उसका जो फोर्टिफिकेशन है, जो बनावट थी उसकी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दिस स्ट्रॉन्ग फोर्ट वॉज देन इन चार्ज ऑफ विजय राज, अ रिलेटिव ऑफ द भोसले। वो इसकी रखवाली उस टाइम पे कौन कर रहा था, विजय राज, जो भोसले के एक रिलेटिव थे। ही अग्रीड टू गिव प्रोटेक्शन टू जीजाबाई, और उन्होंने अग्री किया, शाहजी माजे को, राजे को बोला कि मैं इनकी सिक्योरिटी लेने तैयार हूँ, सिक्योरिटी करने, प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। सो शाहजी राजे लेफ्ट हर देयर एंड मार्च अगेंस्ट द मुगल्स, उन्होंने उसको वहाँ पर छोड़ दिया और ऊपर मुगल्स की तरफ आगे बढ़ते गए। एंड देन द गोल्डन डेज डॉन, फिर क्या हो गया, जो सुनहरी सुबह हुई, आपने कभी सुना होगा ना, कहीं कहीं लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि एक दिन सुनहरी सुबह हुई, आज सुनहरी सुबह थी, फिर वो सुनहरी, दैट गोल्डन डेज अराइव्ड। और यहाँ पर पूरा डेट दिया हुआ है, ए शिवाजी महाराज फॉलोड द हिंदुइज्म, दैट्स वाई दे हैव गिवन द प्रॉपर मंथ। आपने अर्लियर आपकी स्कूल में पढ़ा होगा ना, मंथ्स फाल्गुन श्रावण, ऐसे सब मंथ्स पढ़े होंगे ना, मंथ ऑफ द ईयर, इंडियन ईयर मराठी में, मैथ्स में भी टीचर ने पढ़ाया है आपको सेकेंड स्टैंडर्ड में, तो उसमें भी आपने पढ़ा है ना ये श्रावण फाल्गुन, ये सारे मंथ्स के नाम, मंथ्स ऑफ द इंडियन ईयर। सो ईयर दैट इज गिवन फाल्गुन वैद्य तृतीया इन द ईयर 1551 ऑफ द शाका इरा, दैट इज ऑन 19 फरवरी 1630। अभी 2020 चल रहा है, 1630 की हम बात पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उनका जो बर्थडे है वो कौन से दिन आता है, 19 फरवरी। अभी भी आज स्कूल में शिवाजी जयंती बनाते हैं ना 19 फरवरी को, सो दिस इज द सेम। टू द साइंड ऑफ पाइप्स एंड ड्रम्स प्लेइंग इन द नगर खाना, जीजाबाई गेव बर्थ टू अ सन, वहाँ पे सब लोग जोर से खुशी से ड्रम बजा रहे थे
और किसको उन्होंने जन्म दिया, एक बेटे को, सन को। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द फोर्ट वर ओवरजॉयड, सब बहुत खुश हो गए। और बराबर 12 दिन के बाद एक सेरेमनी हुई। आपने भी कभी देखा होगा ना, आपके घर में छोटे भी भाई बहन है किस या किसी के घर में होते हैं छोटे बीबी, तो उनका नाम रखते हैं, फिर सब लोग बहुत ओकेशन घर में लोग बहुत दावत बुलाते हैं सबको। तो वैसा ही शिवाजी महाराज का भी बुलाया, सेरेमनी हुई वहाँ पर एक अप्रोप्रिएट, और उनका नाम रखा गया शिवाजी, एज द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन शिवनेरी फोर्ट। क्यों? क्योंकि वो शिवनेरी फोर्ट में पैदा हुए थे, इसके लिए उनका नाम क्या हो गया, शिवाजी। Now one picture is shown your Veer Mata Jijabai sitting and telling some stories to the brave man, stories about brave man to the Shivaji Maharaj. Now Shivaji's childhood. Shivaji passed the first 6 years of his life in highly unsettled condition. Even so, Jijabai did not neglect his education. Every evening she would light the household lamps and then she called Shivaji to her. She would shower all affection on him and tell him stories of Rama and Krishna, of Bhim and Abhimanyu. On other occasion, she would recite to him the devotional songs of Namdev, Gyaneshwar, or later on we will learn. See, Shivaji Maharaj ke jo pehle ke 6 years the, jab tak wo 6 years ke hue, jab tak unki life bahut unsettled thi. Kyu? Kyunki jab wo paida hone wale the, jabhi yehi lesson mein maine aage bataya na aapko, Shahjahan aur Adil Shah aur Shahji Raji ki fighting ho rahi thi, to us cheez mein ye bahut hi unsettled conditions mein the शिवाजी महाराज। लेकिन फिर भी जो उनकी मम्मी है वो रोज शाम में उनको बुलाती थी, दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी वॉज देयर, सो दे यूज्ड टू लिट द दियाज, दिया जलाते थे तेल के, और वो बिठा के उनको स्टोरी सुनाती थी। किसकी स्टोरी सुनाती थी? भगवान राम और भगवान कृष्ण की स्टोरी सुनाती थी, और भीम और अभिमन्यु की स्टोरी सुनाती थी, एंड लेटर ऑन वो डिवोशनल सॉन्ग्स भी उनको गा के पढ़ते थे, जैसे हमने वर्क ऑफ सेंट्स लेसन में पढ़ा हुआ है, नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ, इन सब के बारे में वो जो उन सबकी जो डिवोशनल सॉन्ग्स है, मीन्स जो कीर्तन है, कीर्तन जो करते हैं, भजन जो करते हैं, वो उनको सुनाती थी। शिवाजी को पसंद था ये सारी चीज़ें सुनना, जैसे जो वो ब्रेव मैन की स्टोरी सुनना, और वो अंदर ही अंदर सोचते थे कि मैं भी जब बड़ा हूँगा ना, तो मैं भी, मुझे भी ऐसी बनना है। अगर आप भी कभी कोई बहुत अच्छी मूवी देख लेते हो या कोई बहुत अच्छी स्टोरी सुन लेते हो, तो आपको भी ऐसा, आप भी बोलते हो मम्मा मुझे भी ऐसा बनना है, तो वैसे वो उनको भी ये फीलिंग थी कि मुझे भी क्या करना है, मुझे भी अच्छा बनना है। जीजाबाई यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ मेनी पायस पर्सन एंड सेंट्स। सी, पायस मीन्स पवित्र, सो दिस सेंट्स मीन्स साधु, ऐसे लोगों की स्टोरी वो सुनाती थी। दैट इंस्टिल्ड इन हिम अ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर ऑल सेंट्स एंड ग्रेट मैन, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े लोगों को ऑनर और ग्रेट लोगों को वो क्या करते थे, ऑनर और रिस्पेक्ट करने लगे। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज केम टू प्ले विद शिवाजी, जो गरीब बच्चे थे वो उनके पास खेलने आते थे, और वो कभी कभी वो खुद भी उनके घर पे जाते थे, मैं बहुत बड़ा राजा का बेटा हूँ ऐसा करके वो अपने घर में सिर्फ उन लोगों को बुलाते ही नहीं थे, फिर वो उनके पास जाते भी थे, और कभी कभी वहाँ पे जाके उनका जो सादा खाना है ना, भाकरी और ऑनियन, वो भी खा के आते थे उनके साथ बैठकर। सो वो गरीब और अमीर में डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, ये चीज़ देखकर हमको ये मालूम पड़ता है। देर इन्वेंटेड इंटरेस्टिंग गेम्स टू द पास द टाइम, और फिर लोग सब मिलके थोड़े इंटरेस्टिंग गेम्स उन लोगों ने न्यू गेम इन्वेंट किए, जैसे वो लोग फॉरेस्ट में जो बर्ड्स है ना, उन बर्ड्स की आवाज़ निकालते थे, कुकू और पैरट जैसे कू कू कर रहे, तो ये लोग भी वैसे ट्राई करते थे कू कू, ओके, फिर टाइगर को, टाइगर की आवाज़ निकालते थे एकदम परफेक्शन के साथ, तब टीचर की तरह नहीं, टीचर ने कू कू कर दिया, वो लोग कू कू नहीं करते थे प्रॉपर, जैसा वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे आप कि वो बर्ड बोल रहा है या वो टाइगर बोल रहा है या कोई मैन बोल रहा है। नाउ देयर पास्ट टाइम वॉज बिल्डिंग स्मॉल फोर्ट्स ऑफ अर्थ एंड मेकिंग अर्थन एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज, वो लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पास्ट टाइम क्या था, वो लोग छोटे छोटे फोर्ट्स बनाते थे मिट्टी के, छोटे छोटे एलिफेंट्स बनाते थे और छोटे छोटे हॉर्सेस बनाते थे मट्टी के, तो उन लोगों को बड़ा मजा आता था, वो लोग हाइड एंड सीख खेलना बहुत पसंद करते थे, और बॉल या टॉप, टॉप मीन्स भौरा या बॉल के साथ उन लोगों को खेलना पसंद था। शिवाजी भी क्या करते थे, उनके साथ मिलकर ये सारे गेम खेलते थे, और उन सब में वो क्या हो गए, पॉपुलर हो गए, सब में फेमस हो गए शिवाजी। सी द फोटो, शिवाजी सिटिंग एंड ऑल द फ्रेंड्स ऑफ हिज सिटिंग नियर बाय। नाउ शाहजी राजे टुवर्ड्स द मुगल, नाउ व्हाट हैपेंड,
शाहजी राजे मुगल्स की तरफ उनके उनका क्या क्या काम होने लगा, क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो हम पढ़ेंगे। वो निज़ाम शाही को वापस रिटर्न हुए वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे उनको दिमाग में सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि निज़ाम शाह खुद क्या था, बहुत ही फिकल, मीन्स बहुत ही कभी भी चेंज होने वाला पर्सन था। कोई भी उसको कुछ भी बोल दे, गॉसिप बोल दे, तो वो उसी पे उसी बात पर हाँ ये सही बोल रहा है, उसको प्रॉपरली देख नहीं पाता था सही है कि गलत है, उसको ये वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे वो जो वहाँ के राजा थे निज़ाम शाह। हैंड्स द कॉन्स्पिरेसीज एंड द पेटी रिवेलरीज इन्वेस्टेड इन द कूप। धीरे धीरे क्या हो गया वहाँ पे, कॉन्स्पिरेसी और राइवल रिमेंस दुश्मनी बढ़ने लगी, और इसी चक्कर में लखोजी यादव को ओपनली इन द कोर्ट एट द मतलब मार दिया गया लखोजी यादव को सबके सामने। शाहजी राजे कुड नॉट विद स्टैंड विद दिस। जैसे ही लखोजी यादव को मारा गया सब पूरे कोर्ट के सामने, तो जो शाहजी राजे उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने निज़ाम शाही को छोड़ दिया। मतलब सी निज़ाम शाह किंग है, और जो उनकी जो सल्तनत थी, उनकी जो प्रजा थी, जहाँ पर वो राज करते थे, उसको क्या बोलते हैं, निज़ाम शाही बोलते। तो उन्होंने पूरे निज़ाम शाही को छोड़ दिया। द शाहजहाँ द मुगल एम्पायर मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट। और शाहजहाँ ने क्या किया, उनको अपनी कोर्ट में सरदार बना दिया। इन द मेन टाइम सेक्रेटली ज्वाइनिंग हैंड्स विद द मुगल्स फतेह अली फतेह खान किल निज़ाम शाह। अब जैसे ही निज़ाम शाह को शाहजी राजे जैसे ही मुगल्स को शाहजहाँ को ज्वाइन कर दिए, वैसे ही फतेह खान ने क्या किया, निज़ाम शाह को ही मार दिया, मर्डर कर दिया। देयर वॉज कम्प्लीट एनार्की इन द स्टेट। अब वो एकदम हाई अलर्ट पर हो गए। इट बिकेम एविडेंट डेट फतेह खान वॉज ट्रेचरसली प्लानिंग। फिर ये एक एविडेंट हो गया कि ये जो फतेह खान है वो सबके टू एनेबल द मुगल्स टू सोलो निज़ाम शाही, कि वो इसलिए ये सब किया क्योंकि वो चाहता था कि मुगल्स जो है पूरा का पूरा निज़ाम शाही के ऊपर अपना कंट्रोल बना लें। अब इसके रिटर्न में क्या हो गया, मुगल्स ने उसको एक टेरिटरी गिफ्ट कर दी जो शाहजी राजे के अंडर थी। शाहजी राजे वॉज एंग्रेज एंड सो ही लेफ्ट द सर्विसेज ऑफ द मुगल। अब जो ये फतेह खान ने बड़ा काम किया था, इसीलिए वो टेरिटरी फतेह खान को मिल गई जिसपे शाहजी राजे काम कर रहे थे। तो शाहजी राजे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसने क्या किया, उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी, मुगल्स ही छोड़ दिया, उन्होंने उसकी सर्विस करना छोड़ दी। ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन यूजिंग ऑल हिज माइट। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पूरी अच्छाई लगा डालूं और इन लोगों को एक सबक सिखाऊं। नाउ फाउंडिंग ऑफ न्यू निज़ाम शाही। व्हाट ही डिड, ही इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल द मुगल एम्पायर एंड वजीर फतेह खान, मतलब इन दोनों के लिए, इन दोनों से लड़ाई करने के लिए, इन दोनों को लेसन टीच करने के लिए शाहजी राजा ने नया फोर स्टॉल मीन्स वापस से कोई चीज़ इंस्टॉल किया। जैसे आप फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो ना, वैसे इन्होंने फोर स्टॉल किया। क्या फोर स्टॉल किया, न्यू निज़ाम शाही। शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड हायर फ्रॉम द निज़ाम शाह फैमिली। निज़ाम शाह की कोई निज़ाम की फैमिली से एक बच्चे को उठाया और उसी को नया निज़ाम शाह बनाया। देखो उनका जगह का नाम भी दिया है, वो बच्चा कहाँ था, पेमगिरी नियर जुन्नर से। थर्स ही एस्टेब्लिश एंड ऑल टूगेदर न्यू किंगडम विच इंक्लूडेड द टेरिटरी बिटवीन द रिवर्स गोदावरी एंड नीरा। सी वो टेरिटरी कहाँ पर आ रही थी, रिवर गोदावरी और नीरा के बीच में एक टेरिटरी आती थी, वहाँ से उन्होंने वो बच्चे को लिया था। शाहजी राजे फॉट वाइग्रेंसली टू प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट। इनिशियली आदिल शाह वॉज विद हिम इन दिस एफर्ट। देखो क्या हो गया कि शाहजी राजे ने इस चीज़ के लिए बहुत लड़ाई करी और इनका साथ किसने दिया, आदिल शाह ने दिया। द मुगल एम्पायर शाहजहाँ हिमसेल्फ मार्च्ड साउथ अपॉन शाहजी राजे एंड ट्रीटेड आदिल शाह। फिर क्या हो गया, इस चीज़ के लिए जब इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत सब चीज़ लगा दी, तो शाहजहाँ ऊपर से नॉर्थ से वो नीचे आए और आदिल शाह को ट्रीटेड में धमकी दी, और फिर बाद में उनके साथ एक फ्रेंडशिप की एक ट्रीटी साइन कर ली कि आप हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लो ये वो। तो अब ये अब इन्होंने क्या किया, आदिल शाह चले, निज़ाम शाह का इंतकाल हो गया, वो मर गए। निज़ाम शाह आदिल शाह किधर चले गए, शाहजहाँ के पास चले गए। अब अकेला कौन रह गए, शाहजी राजे। ना शाहजी राजे नाउ बिगन टू फाइट द जॉइंट फोर्सेज ऑफ द मुगल्स एंड आदिल शाह। वो दोनों से लड़ाई किए जा रहे थे, बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ। अब वो खुद अकेले नहीं लड़ पा रहे थे क्योंकि वो पावरफुल, दो लोग मिल गए थे तो वो लोग पावरफुल हो गए थे। बट इन को ही कुड नॉट, हाँ ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विथ मुगल्स। फिर उन्होंने सोचा कि झगड़ा करने से अच्छा है कि एक दूसरे के साथ हम लोग
एक फ्रेंडशिप के लिए हम आगे बढ़े. He could not create his own kingdom as the times were not favorable for him, but his daring spirit kindled a confidence among the Marathi people. This proved useful to for Shivaji in establishing Swaraj a few years later. But उनके जो अच्छे काम थे उसकी वजह से मराठी लोगों में एक उन लोगों के अंदर एक हिम्मत आई थी. ये हिम्मत आगे जाकर शिवाजी महाराज को स्वराज बनाने के लिए ताकत दिया. ओके. जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक. After the downfall of the Nizam Shah established by the Shahji Raja, his territory was divided by the Mughals and Adil Shah amongst themselves. फिर जैसे ही निज़ाम शाह का जो टेरिटरी है वो डिवाइड होने लगा किस किस में, मुगल्स और आदिल शाह में. शाहजी राजेश जागीर और पुणे एंड सुपे ले विदिन. उनका जो जागीर था वो कहाँ पर पड़ रहा था, आदिल शाह की शहर में चला गया, मतलब उसकी उनको दिया हुआ था ना तो उनके पास चला गया. आधा आधा हुआ था, आधा पार्ट मुगल्स में चला गया, आधा पार्ट आदिल शाह के पास चला गया. तो उनका जो पुणे और सूपे का जो जागीर था वो किसके पास गया, अब आदिल शाह के पास. ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ. उन्होंने अपने शहर में से थोड़ा बहुत किसको दे दिया, उन्होंने शाहजी राजे को दे दिया. नाउ शाहजी राजे जॉइंड द आदिल शाह सर्विस अगेन. ही क्या हो गया, वो लोग दोनों वापस से मिल गए. आदिल शाह असाइन टू हिम द टास्क ऑफ कॉन्करिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंट कर्नाटक फार अवे फ्रॉम द पुणे. सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शाहजी राजे टू कर्नाटक, जीजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो जॉइंड द. फिर जब वो उनको कर्नाटक मिला, टेरिटरी वहाँ की मिलने लगी, तो पुणे छोड़कर शाहजी राजे कर्नाटक चले गए. लेटर ऑन स्लोली पीछे से शिवाजी महाराज और जीजाबाई भी आ गए. शिवाजी चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैड बीन वेरी हेक्टिक. उनका जो महाराष्ट्र में जो चाइल्डहुड गया था वो पहले ही हमको बता दिया गया है कि वो अनसेटल्ड था, बहुत ही टेंशन वाला था. ही एंड जीजाबाई हैड टू रश कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फोर टू अनदर. वो लोग कभी यहाँ पे रहते हैं, कभी वहाँ पे रहते हैं, कभी हमारे जैसे उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं था कि दो घंटे में यहाँ से वहाँ पहुँच जाए. उन लोगों को बहुत बहुत टाइम लगता था, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी वो चलती थी. तो देर वर मैंने यू कैन से उन लोगों को बहुत हेक्टिक होता था, बहुत परेशानी थी. एट दैट टाइम यंग शिवाजी यूज टू हियर द स्टोरीज ऑफ ब्रेव डेड्स ऑफ हिज फादर. उस टाइम पे उनके राजा, उनके जो शाहजी राजे थे, उनकी जो ब्रेवरी की स्टोरीज थी वो शिवाजी महाराज सुनते थे. शिवाजी महाराज एंड got some peace when they arrived in Karnataka. Shahji Raja defeated many kings in Karnataka. Adil Shah awarded him with the Jagir of Bangalore. Shahji Raja then made the city of Bangalore his headquarters. He lived there with all the trappings of a king and began to summon the court. See, इनको बहुत अच्छी अथॉरिटी वहाँ पर मिल गई थी. ये वहाँ पर जाकर कर्नाटक में वहाँ के जो किंग थे उनके साथ बहुत सारे किंग्स को उन्होंने डिफीट किया और वहाँ की सारी जागीर को उन्होंने कब्जा कर लिया. पहले ऐसे ही चलता था, पहले यही चीज़ें चलती थी. फिर वहाँ के कोर्ट में वो किंग बन गए और बैंगलोर को अपना मेन वो बना दिया. नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स. शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न ऑन चिवनेरी फोर्ट. शिवाजी SHIVAJI राइट द आंसर इन वन सेंटेंस. वॉट डिड शिवाजी फील ड्यू टू जीजाबाई टीचिंग. What games did Shivaji and children of the Mawlas play? Now question number third. Why did Shivaji Raja leave Nizam Shahi? Write the answers in two or three sentences. Choose whose story did Jijabai tell Shivaji. These are your question answers, okay? This is your homework. You have to write all the exercises in your EVS notebook and send to your WhatsApp group. Bye bye.